Good morning and peace with you all. Hope you all are fine and doing good at home. और जैसे कि आप जानते हैं कल हम लोगों ने जो है पढ़ाई की थी साबुन की टिकिया की और हमने जो है जो मुश्किल अल्फाज थे इमला भी मैंने आपको इमला के लिए दिए थे और मुझे यकीन है आप सबने कॉपीज पे काम किया होगा और आपको मैंने एक एक कॉलम भी दिया था कि आपने लिखना था कि इस नज्म में से कौन कौन से लफ्ज जो हैं किन किन पर कौन से अराब की अलामात लगी हैं उसके मुताबिक एक कॉलम बनाना था अपने कॉपी पे और उसमें आपने उसको लिखना था और आपने यकीनन इसकी रीडिंग भी की होगी पढ़ाई भी की होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब मैं चाहती हूँ कि आप में से जिन बच्चों ने कॉपी वर्क किया है वो मुझे जरा शो करें, आप कैमराज में देख रही हूँ मैं, शो मी योर वर्क इफ यू डन ऑन योर कॉपीज। Yes, show me copies because इसके बाद हमने copies भी करना है, ठीक है? और आप लोग साथ साथ learning भी करें, इसके बाद हमने copy पे काम करना है जब तक मैं देख रही हूँ। आप लोग बहुत ही वेरी गुड, शाबाश मिशेल, वेरी गुड, मैं देख रही हूँ सबको। आप लोग इसके साथ ही अपनी जो कॉपीज हैं उनको निकालें, उनके ऊपर आज की डेट लिखें और उनके ऊपर हाशिया लगाएं और अपनी कॉपी के ऊपर हमने आज करने हैं अल्फाज मानी, ठीक है? साबुन की टिकिया सबक का नाम, आपने नज़म का नाम लिखना है, उनवान लिखना है साबुन की टिकिया नज़्म, और साथ ही आप लोगों ने आज की जो है डेट लगानी है। आज तारीख है 16 मंगल, 16 तारीख है और आपने जो है उनवान लिखना है साबुन की टिकिया नज़्म और नीचे लिखने हैं अल्फाज मानी, ठीक है? अल्फाज मानी की नंबरिंग में आपको बाद में आप साथ साथ करते जाना। तो आज हमने काम करना है अल्फाज माने, इसमें बहुत सारे जो अल्फाज माने हैं छोटे छोटे वो आपको आते भी होंगे लेकिन आपकी और ज्यादा आपकी अच्छी मेमोरी हो जाए उसके लिए हम जो है इन अल्फाज माने को करेंगे। तो आपने बहुत ही साफ सुथरी लिखाई में अपना काम करना है और इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है ताकि आप लोग अपनी जो कॉपीज हैं उनको बेटा कर सकें, ठीक है? कोई बात नहीं, जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है वो कोशिश करें उसको साथ साथ कंप्लीट करें, मुकम्मल करें ताकि आखिर में आपको मसला ना हो, ठीक हो गया? सब अपनी कॉपीज को प्रिपेयर कर, ठीक है बेटा? आप लोग ये देख सकते हैं आपके सामने जो है वो अल्फाज मानी जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है? वो आगे आपके सामने जो है शो हो रहे हैं सारे के सारे। आपने आज की डेट लिखनी है, उनवान लिखना है साबुन की टिकिया नज्म जो है और आपने जो है अपने काम को इसी तरह दरमियान में आपने लाइन लगानी है, अपनी कॉपी के दोनों साइडों पे आपने हाशिया लगाना है और साफ सुथरी लिखाई में करना है। अब मैं आप लोग काम करते जाए, मैं आप साथ साथ आपको पढ़ के बताती भी जाती हूँ। तो नन्नी सी टिकिया, उसमें जो शायर क्या कहता है, मुन्नी सी बिटिया और नन्नी सी टिकिया, ठीक है? साबुन की टिकिया है नन्नी सी बिटिया जो है, ठीक है? साबुन की टिकिया नन्नी सी बिटिया यानी के छोटी सी, ठीक है? नन्नी का मतलब है छोटी, बिटिया बेटी, ठीक है? बिटिया बेटी, यहाँ से यहाँ उसने साबुन के साथ जो है वो अपने प्यार का इजहार किया है कि उसको एक बेटी से जो है वो तशबीह दी है कि छोटी सी एक बेटी है, प्यारी सी है जो पानी में शोर करती है, छप-छप करती है, गपशप करती है। तो गपशप का यहाँ मतलब है जब हम दिल लगी की बातें करते हैं, झूठी बातें भी इसमें आता है, गप भी। गप का मतलब तो आपने सुना होगा कि ये बहुत गप मारता है, ये बहुत गप जो है इसी तरह से गप्पे लगा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, दिल आपस में बातें कर रहे हैं, और गप लगाना जो है वो झूठी बातें भी आता है। तो हमने दोनों ही लिख दिए हैं, आप इनमें से एक लिखें, दिल लगी की बातें या झूठी बातें, ठीक है? गपशप कर रही है आपस में, दिल लगी की बातें या झूठी बातें, ठीक है? नंबर चार पे है छप छप, छप छप, जब हम पानी पे हाथ मारते हैं तो हाँ पानी पे हाथ मारने की आवाज आती है उसको हम छप छप बोलते हैं, ठीक है? पानी में उसने कहा करती है गपशप, पानी में छप छप करती है गपशप, पानी बहाए छींटे उड़ाए, ठीक है? उसके बाद है जकड़ो, जकड़ो क्या कहते हैं, मुन्नू को पकड़ो बाजू में जकड़ो, यानी के मुन्नू को जोर से
पकड़ो, क्योंकि मुन्नू जो है वो साबुन से डर रहा था, उसको जो है साबुन से जो है वो खौफ आ रहा था और वो डर रहा था और वो भाग रहा था और वो नहाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए शायर कहता है कि इसको जोर से पकड़ो अपने बाजू में और इसको नलके पे लाओ और इसको नहलाओ। तो आप देखें उसके बाद है थर थर, साबुन के डर से करता है थर थर। थर थर का मतलब है कांपता हुआ, थर थर कांपता हुआ, साबुन के डर से करता है थर थर। थर का थर थर का मतलब है कांपता हुआ, नचाए है तंग करे, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है मुन्नु अकेला सबको नचाए लाते चलाए, कि अकेला ही मुन्नु जो है वो सबको बहुत तंग कर रहा है, सबको भगा रहा है और जो है नहाना नहीं चाहता है वो, ठीक है। उसने सबको जो है आगे अपने अपने जो है अपने आगे लगाया हुआ है, आगे आगे भाग रहा है और सबको तंग कर रहा है। उसके बाद डर का है खौफ, ठीक है। तो ये 8 आपके अल्फाज मानी है, आपने इनको लिखना है कॉपी में। लिखने का मैंने आपको अभी टाइम दिया है, आपके पास 2 मिनट और हैं, आप इसको लिखें और साथ ही हम इसको याद भी आप लोगों ने साथ साथ करना है। नन्नी छोटी बिटिया बेटी, गपशप दिल लगी की बातें हैं या झूठी बातें हैं। गप लगाना आपको पता है, गप लगा रहे हैं, झूठी बातें भी कुछ लोग करते हैं। छप छप है पानी पर हाथ मारने की आवाज है, जकड़ो जोर से पकड़ो, थर थर कांपता हुआ, नचाए तंग करे डर खौफ, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं उन्होंने कर लिया है, शाबाश वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया है वो आराम से कर लें, अभी मैं आपको और टाइम दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग जिन्होंने कर लिया है उनका काम यह है कि वो अल्फाज जुमले का जो आगे अपना सफा है, अल्फाज जुमले तैयार कर लें, ठीक है। जैसे हम अल्फाज लिख लें, 6 अल्फाज हैं आपके, उनकी नंबरिंग लगा लें। अल्फाज में आपको भी दिखा दूंगी, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। अगर आप जो है सवाल जवाब वाला सफा जो टर्न करोगे रीडिंग के बाद, पढ़ाई के बाद अगला जो सफा है, तो उसके ऊपर आपके अल्फाज जुमले लिखे हुए हैं। यहाँ मैंने आप सबके लिए यहीं पे लिख दिए हैं ताकि बाद में आपको मसला ना हो, होमवर्क के लिए आप लोग यहीं से देख के जुमले लिखते जाएं, ठीक है। तो आप लोगों ने जल्दी से जो कर चुके हैं वो अपने अल्फाज जुमले के लिए अपनी कॉपी को तैयार करें, वहां पर भी हाशिया लगाएं और अच्छे से उसको रेडी कर लें, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं अल्फाज जुमले आपके सामने हैं, इन अल्फाज को आपने लिखना है और जुमले आपने खुद बनाने हैं। आप लोगों को समझाने के लिए जो है कुछ अल्फाज जो हैं वो मैं आपको जो है जुमले बता देती हूँ जुबानी तौर पे, लेकिन जुमले आपने खुद बनाने हो। कोशिश करें कि आप जो मैं जुमला बताऊं उसको ना देखें बल्कि आप लोग खुद जुमला बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे झाग है, झाग अपनी नज़म के नज़म को पढ़ के वहां से भी आप अपने जुमलों के लिए कुछ मवाद जो है वो ले सकते हैं। तो झाग है जैसे मुन्नू ने साबुन से खूब झाग बनाए, मुन्नू ने साबुन से खूब झाग बनाए। और आप ये भी लिख सकते हैं मुझे झाग से खेलना बहुत पसंद है, मुझे झाग से खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। उसके बाद है आंसू, अम्मी ने मुन्नू के आंसू साफ किए, ठीक है, अम्मी ने मुन्नू के आंसू साफ किए। आप अपने किसी दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, अगर आप रोते हैं उसके बाद आपकी अम्मी ने आपके आंसू साफ किए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल जी बेटा, आप पिक भी ले सकते हैं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप साथ साथ अपना काम मुकम्मल करें। अगर आप अभी नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद है डर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मेरा दोस्त शेर से
डर गया, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कोई भी जुमला लिख सकते हैं, अपने पास से भी कोई और जुमला जो आसान आपको लग रहा है, आपके जहन में आ रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद है नलका। नलका, अहमद ने हाथ धोने के बाद नलका बंद किया। आपको याद है ना कि टीचर उमा बार बार कहती थी कि पानी वेस्ट नहीं करना, पानी को जाया नहीं करना है। तो अभी भी जब आप नहाते हैं या हाथ धोते हैं तो उसके बाद आपने नलके को अच्छे से बंद करना है। तो हमने जुमले में इस्तेमाल कर दिया अहमद या अली या कोई भी नाम, अपनी किसी दोस्त का नाम लिख सकते हैं हम। सारा ने हाथ धोने के बाद नलका साफ किया, ठीक है। या आपके क्लास वालों के नाम भी हम लिख सकते हैं ना, जैरल ने हाथ धोने के बाद नलका साफ किया, सॉरी बंद किया, या किसी और का नाम भी लिख सकते हैं, आपके फेवरेट जो फ्रेंड है कोई उसका नाम भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है, हम मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको मिसाल के तौर पर बता रही हूँ कि अहमद ने हाथ धोने के बाद नलका बंद किया, ठीक है। थर थर, थर का जुमला भी बहुत आसान है। थर थर का, नहाने के डर से मुन्नु थर थर कांप रहा था, ठीक है। उमर सर्दी से थर थर कांप रहा है, ठीक है। आप कोई सा भी जुमला बना सकते हैं जो आपको आसान लगता है। नहाने के डर से मुन्नु थर थर कांप रहा था, उमर सर्दी से थर थर कांप रहा था, क्योंकि जब आपको सर्दी लगती है तब भी आप जो है कप कपाना शुरू कर देते हो, ठीक है। उसके बाद है छम छम। उसके बाद हमारे पास नंबर छे है, नंबर छे लफ्ज है छम छम। तो छमछम का आप जुमला बना सकते हैं कि खिड़की से छमछम बरसती बारिश नजर आ रही है, या मुन्नू छमछम आंसू बहा रहा था, या मुन्नू छमछम आंसू बहा रहा था, ठीक है। खिड़की से छमछम बरसती बारिश नजर आ रही है, या मुन्नू छमछम आंसू बहा रहा था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपका होमवर्क है। आपने जो है अच्छे अच्छे से जुमले बनाने हैं आसान और सादा अल्फाज में, जो आपके खुद भी आसानी से याद रख सकें और आपके जो है बामानी जुमले होने चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे कर चुके हैं वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो इसको घर पे कंप्लीट करेंगे। अब मैं दोबारा से जो है अल्फाज मानी एक मिनट के लिए जस्ट आपको अभी जस्ट शो कर रही हूँ। कुछ बच्चे बार बार चैट, जो बच्चे बेटा अल्फाज मानी और जुमले कर चुके हैं वो अपनी कॉपीज को आगे तैयार रखें, अगला सफा जो है वो तैयार करें। हम करेंगे इल्फ सवाल जवाब, ठीक है। सवाल जवाब इसके हम करेंगे, जितने भी सवाल जवाब आज हो जाएंगे वो हम कर लेंगे, क्योंकि हमारा हाफ टाइम अभी बाकी है, ठीक है। 15 मिनट्स आर लेफ्ट, तो हम लोग जो हैं उनको वेस्ट नहीं करेंगे, हम अल्फाज सवाल जवाब जो हैं इसके दौरान में कर लेंगे, ठीक है। अभी ये मैंने दिखा दिया, जिन बच्चों को देखना था वो एक दफा इसको देख लें, इसके बाद उतनी देर में बाकी बच्चे जो हैं वो अपने सवाल जवाब जो हैं उनके लिए अपनी कॉपी को तैयार कर लें, अपने सफे को। और आप लोग सवाल नंबर एक लिख भी सकते हैं, इस नज्म के शायर का क्या नाम है, ठीक है। इस नज्म के शायर का नाम क्या है, और आप एक लाइन छोड़ सकते हैं जवाब के लिए। हमने पढ़ा था शायर का नाम क्या है, तो आप लोग अभी मुझे जवाब देंगे चैट बॉक्स में कि शायर का नाम क्या है। जब मैंने आपको नज्म पढ़ाई थी तो बकायदा से मैंने आपको बताया था कि शायर का नाम क्या है, ठीक है बेटा। तो आपने जो है वो मुझे शायर का नाम बताना है, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने जो है वो सवाल जवाब हम करेंगे, ठीक है बेटा। ये देखें सवाल जवाब है, मैंने क्योंकि पहले भी हमने पीछे जो है मैंने सबक का नाम लिखा था, लेकिन आप लोग ऐसे ही करें। यहाँ पे जो है वो आप तारीख जो है वो चाहे आपने पीछे लिखी हुई है अल्फाज मानी के ऊपर तो तारीख आप रहने दें, लेकिन आप लोग जो है वो उनवान जरूर लिखें, जो है साबुन की टिकिया नज्म
और फिर उसके नीचे जो है वो सवाल जवाब लिखकर आप जो है इसका सवाल नंबर एक लिखें, हसन आबदी एक बच्चे ने नाम भी लिख के भेजा है, शाबाश वेरी गुड बेटा, आपने जो है वो शायर का नाम लिख के भेजा है, हसन आबदी शायर का नाम एंड में लिखा हुआ है, नज्म के आखिर में इस नज्म के शायर का नाम क्या है, तो इस नज्म के शायर का नाम हसन आबदी है, ठीक है, इस नज्म के शायर हसन आबदी है, ठीक है, मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने इस तरह से लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नज़म के शायर का नाम हसन आबदी है या इस नज़म के शायर हसन आबदी हैं, दोनों तरह से ही ठीक है, ठीक है बेटा। शाबाश बेटा, वेरी गुड, इस नज़म के शायर हसन आबदी हैं, ठीक है। उसके बाद हम सवाल नंबर दो है, अगर सवाल नंबर दो का भी आप लिखना लिखे मत, आप उसके लिए जगह छोड़ दें, दो लाइनें छोड़ दें आप लोग या तीन लाइनें छोड़ दें अपने सवाल के लिए, इस नज्म में साबुन को बतौर किरदार लिया गया है, दूसरा किरदार मुन्नू है, दोनों क्या करते हैं नज्म में से देखकर लिखिए, ठीक है, दो किरदार हमने पढ़े थे, ठीक है, एक मुन्नू है और एक साबुन है, तो उन्होंने कहा है कि वो क्या करते हैं, आपने नज्म में से देख के लिखना है, सवाल जो है आप जगह छोड़ दें और सवाल आप बाद में कर लें और जवाब आप लिख लें, ठीक है, जवाब क्योंकि मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, तो जवाब आप लिख लें और सवाल को अभी आप सवाल के लिए जगह छोड़ दें, तो जवाब है सबसे पहले पहला किरदार के बारे में हम बात करते हैं, साबुन की टिकिया, पहला किरदार है साबुन की टिकिया, तो साबुन की टिकिया क्या करती है, पानी में छप छप करती है, पानी में छप छप करती है, गप छप करती है, पानी बहाती है, छींटे उड़ाती है, ठीक है, तो ये काम जो है तीन हमने नंबरिंग कर लिया है ताकि आसान आपको आसानी से आप लोग इसको याद रख सकें, लिखने में भी खूबसूरत लगे कि पहला किरदार क्या कर रहा है, साबुन की टिकिया है पहला किरदार, और साबुन की टिकिया क्या कर रही है, पानी में छप छप करती है, गपशप करती है, पानी बहाती है, छींटे उड़ाती है, ठीक है, आप इसको लिख लें। इसके बाद हम दूसरा किरदार क्या करता है नज्म में उसके बारे में हम जो है वो लिखेंगे, ठीक है, सबने साफ सुथरी लिखाई में लिखना है, बहुत ध्यान से अपना काम करना है बेटा, यही सवाल नंबर दो है जो अभी आपके सामने है, ये देखें, ये सवाल नंबर दो लिखा है, सवाल के लिए आप जगह छोड़ दें, सवाल आप बाद में लिख लें, अभी आप जो है सवाल नंबर दो का जवाब आप लिख लें, साबुन की टिकिया, उन्होंने कहा है कि इस नज्म में साबुन को बतौर किरदार लिया गया है, ठीक है, एक एक जो है जैसे एक दो किरदार हैं, जैसे हमने कॉलम पढ़ा था कि कॉलम में भी दो या दो से ज्यादा अफराद जब आपस में बात करते हैं तो वो कॉलम कहलाता है, ठीक है, तो उसमें भी जो लोग बात कर रहे होते हैं आपस में वो किरदार होते हैं, इसके अलावा हमने सबक पढ़ा था मेरे दांत, उसमें भी उन्होंने मंजरनामा करके हमें किरदारों के बारे में बताया था कि पहले मंजर में कौन से किरदार आपस में बात कर रहे हैं, अम्मी और उमर का, उसके बाद दूसरे मंजर में कौन से किरदार, तो इसी तरह इस नज्म में दो किरदार हैं, एक साबुन है और एक मुन्नू है, तो जो साबुन की टिकिया है पहले किरदार के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो नज्म में क्या करती है, पानी में छप छप करती है, गपशप करती है और पानी बहाती है, छींटे उड़ाती है, ठीक है, तो अगर आप सब लोग अगर ये लिख चुके हैं तो बेटा रिप्लाई इन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करके आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ये कर लिया है ताकि हम आगे काम करें, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ही आगे आप हेडिंग दे लें मुन्नू, ठीक है, दूसरा किरदार है मुन्नू, तो आप मुन्नू लिख लें, बाकी जो है हमने अगले सफे पे लिखा हुआ है हम वहां से लेंगे, आप लोग मुन्नू लिख लें। जी बेटा, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ठीक है, मुन्नू आप पहले हमने जैसे साबुन की टिकिया लिखा था, अब आपने यहाँ पे लिखना है मुन्नू, और जिस तरह मैंने लिखा हुआ है काम किया हुआ, एक एक जो है लाइन छोड़ के आपने साफ सुथरी लिखाई में जो है अपने काम को करना है, ठीक है, मुन्नू लिख लिया आप सबने, मुन्नू लिख लिया है तो फिर हम आगे जो है वो अपने काम को अगले सफे पे जाते हैं ताकि आप लोग जल्दी से अपना काम जो है वो मुकम्मल कर। जी,
तो हमने मुन्नू लिख लिया है, तो मुन्नू क्या करता है, मुन्नू नज्म में लाते चलाता है, मुन्नू क्या करता है नज्म में लाते चलाता है, आंसू बहाता है, थर थर करता है, ठीक है। मुन्नू क्या करता है नज्म में लाते चलाता है, आंसू बहाता है, थर थर करता है, ठीक है। मुन्नू क्या करता है, लाते चलाता है, आंसू बहाता है, थर थर करता है, ठीक है। सवाल नंबर दो का जो हमने दूसरा किरदार था मुन्नू, उसके बारे में आप ये लिख लेंगे तो आपका सवाल नंबर दो जो है उसका जवाब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मुन्नू नज्म में क्या करता है, लाते चलाता है, आंसू बहाता है, थर थर करता है, ठीक हो गया। आप लोग इसको जल्दी से लिख लें। ठीक है बेटा, सवाल नंबर तीन है हमारे पास, शायर ने साबुन की टिकिया को क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है शायर ने साबुन की टिकिया को, शायर ने साबुन की टिकिया को नन्ही सी बिटिया का नाम दिया है, शायर ने साबुन की टिकिया को नन्ही सी बिटिया का नाम दिया है, ठीक है। शायर ने साबुन की टिकिया को नन्ही सी बिटिया का नाम दिया है। ओके बेटा, सवाल नंबर तीन भी मैंने आपको पढ़ दिया है, आप लोगों ने कर लिया है। उसके बाद सवाल नंबर चार है, आपके ख्याल में मुन्नू साबुन से क्यों डरता होगा, क्यों डरता है, नहीं नहाना नहीं चाहता था, भाग रहा था आगे आगे सबको, उसने नचा रहा था, लाते चला रहा था कि मुझे जो है वो नहीं नहाना है, और इस वजह से वो जो है बार बार जो है वो भाग दौड़ कर रहा था, तो क्यों ऐसा किया उसने। क्यों ऐसे करता है मुन्नू, तो मेरे ख्याल में तो मुन्नू को साबुन आंखों में जाने से डर लगता होगा, इसीलिए जो है वो साबुन से डरता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है छोटे बच्चे जब नहाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी आंखों में साबुन ना चला जाए, और अच्छे से जो है ये नहा रहे आंखों में साबुन ना चला जाए, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं कि हमारी आंखों में साबुन चला गया तो फिर उनको आंखों में बहुत ज्यादा उनको जो है वो जो है इचिंग होती है या दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मुन्नू क्या कहता है, वो क्या शायर क्या कहता है कि मेरे ख्याल में तो मुन्नू को साबुन में आंखों से जाने से साबुन आंखों में जाने से डर लगता होगा, ठीक है। तो अभी हमने सवाल नंबर एक से लेकर सवाल नंबर चार तक मैंने आपको करवाया है। अगर आप लोगों के पास किताबें हैं तो सवाल नंबर पांच है एक, वो मैं आपको आखिर में दिखाती हूँ। वो आप लोगों ने, सवाल नंबर पांच ये है कि हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए हमें अपनी सफाई का ख्याल। तो आप लोगों ने उस सवाल का जवाब खुद लिखना है कि हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आप अपने अल्फाज में भी उसको लिख सकते हैं कि हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। हमें अपनी सफाई का ख्याल इसलिए रखना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें, हम बीमार ना हों, क्योंकि जब हम नहाएंगे नहीं बाकायदगी से जो है वो हाथ नहीं धोएंगे, अपने नहाएंगे नहीं, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो आपने दो या तीन लाइनों में जो है इस सवाल का जवाब आपने खुद लिखना है, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी आपने सवाल नंबर चार तक कर दिया है, मैं सवाल नंबर पांच आप लोगों ने अपनी मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में या अपनी बुक से देख के आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको याद रहे कि हमने सवाल नंबर पांच का जवाब जो है वो खुद से लिखना है कि हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए, ठीक है।
अभी मैं जल्दी से जो है दोबारा से दोहरा देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कुछ बच्चे सवाल नंबर एक दोबारा से देखना चाह रहे थे कि हमें सवाल नंबर एक का जवाब बताएं, तो ये लिखा हुआ बेटा आपके सामने सवाल नंबर एक है, कि इस नज्म के शायर का क्या नाम है। ठीक है, इस नज्म के शायर का नाम क्या है, तो इस नज्म के शायर हसन आबदी हैं। नंबर दो सवाल था कि इस नज्म में साबुन को बतौर किरदार लिया गया है, दूसरा किरदार मुन्नू है, दोनों क्या करते हैं नज्म में से देखकर लिखिए। ठीक है, पहला किरदार उन्होंने हमें बताया है साबुन की टिकिया पानी में छप छप करती है, उसके बाद है गपशप करती है, पानी बहाती है, छींटे उड़ाती है। पानी में छप छप करती है, गपशप करती है, पानी बहाती है, छींटे उड़ाती है। दूसरा किरदार है हमारे पास मुन्नू। मुन्नू क्या करता है, वो हम देखते हैं कि मुन्नू क्या करता है नज्म में, हमने पढ़ा कि मुन्नू क्या करता है। ठीक, मुन्नू लाते चलाता है, आंसू बहाता है, थर थर करता है। ठीक है, लाते चलाता है, आंसू बहाता है, थर थर करता है। शायर ने साबुन की टिकिया को क्या नाम दिया है, शायर ने साबुन की टिकिया को नन्ही सी बिटिया का नाम दिया है। ठीक है, शायर ने साबुन को नन्ही सी बिटिया का नाम दिया है। तो आपके ख्याल में मुन्नू साबुन से क्यों डरता है, तो मेरे ख्याल में तो मुन्नू को साबुन आंखों में जाने से डर लगता होगा, और अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर जो पांच है वो आपने जो है जी, कुछ बच्चे उनको शायद प्रॉब्लम हो रही है, पता समझ नहीं आ रही है सवाल नंबर पांच, वो कह रहे हैं कि हमें देखना है। तो बेटा ये सवाल नंबर पांच है आपके सामने, हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए, इस सवाल को आप लोग अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं, इसका जवाब आप लोगों ने खुद लिखना है कि हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया था कि सफाई, साफ सुथरा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम सेहतमंद नहीं रहेंगे, अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। ठीक है, तो आपने दो या तीन लाइनों में इसका जवाब खुद लिखना है कि हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। ठीक है, और आपने जो है पढ़ाई करनी है, इमला के अल्फाज आपको मैंने कल दिए थे याद करने हैं, आज हमने अल्फाज मानी किए हैं, जुमले बनाने आप लोगों ने, और इसके अलावा हमने सवाल जवाब भी कर लिए हैं। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आज काम थोड़ा ज्यादा है तो आपने काम को अच्छी तरह से याद करना है, एक एक दिन लगा कर जो है, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा ज्यादा काम है तो उसको डिवाइड कर लेना है और आपने उसको याद करना है, और जो आपको होमवर्क दिया है वो भी आपने कॉपी में करना है, नीट वर्क करना है, और कोशिश करनी है कि अपना काम टाइम पे करो, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, नहाना है, हाथ धोने हैं, और घर के अंदर ही रहना है। ठीक है, स्टे होम, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, ये अभी मैं दोबारा से जो है वो सारा दोहरा देती हूँ, इसके ऊपर आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, आप जिन्होंने सवाल नंबर पांच जो है आपको मैं दोबारा से समझा देती हूँ बेटा कि आपने क्या क्या काम करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर।